ठीक है सर, आप हो गए हैं ना? अब बच्चे जुड़ जाएंगे 2:30 बजे। ठीक है सर। ओके, मैं भी लॉग इन ही रहूंगा। थोड़ा बोर्ड को सेट कर लो ऊपर नीचे से। ठीक। गुड आफ्टरनून सर। राजी सर, आप अपने वीडियो को स्पॉटलाइट कर लीजिए। आप अपने वीडियो में ऊपर है ना, स्पॉटलाइट का ऑप्शन होगा। ओके गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो, तो लास्ट लेक्चर में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़िया था। आज हम देखते हैं मिनरल का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। देखो, आ जाने दो बच्चों गुड आफ्टरनून सर। बच्चे। ठीक चलो देखो, मिनरल के एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल का एब्जॉर्प्शन मोस्टली कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि जो भी मिनरल हम देख रहे हैं, ज्यादातर मिनरल सॉइल के अंदर कम होगा, सेल के अंदर ज्यादा होगा। कौन नाइट्रोजन की बात करें या कैल्शियम की बात करें या मैग्नीशियम या फॉस्फोरस, तो जो भी मिनरल है उनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा मिलेगा? हमें सेल के अंदर ज्यादा मिलेगा। अगेन कॉन्सेंट्रेशन के लिए भेजना होगा तो क्या एटीपी कंज्यूम होगी? क्या बोलो? तो मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एटीपी कंज्यूम करके एक्टिवली होती है। लेकिन यदि मैं कुछ माइक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स की बात करूं जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को बहुत ही कम अमाउंट में होती है, तो क्या वो भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा? क्या एब्जॉर्ब होगा? क्या बोलो? सम एलिमेंट्स और मिनरल्स can be absorbed passively also. मिनरल का एब्जॉर्प्शन मोस्टली एक्टिव होता है, एटीपी कंज्यूम करके होता है। रीजन?
कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगी। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, सेल के अंदर एंटर होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कैरियर प्रोटीन वो पंप हो सकता है, जब भी एक्टिव लेवर होगा तो वो पंप हो सकता है। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर टू फेजेस होते हैं, कौन कौन से दो फेजेस होते हैं? एक होता है इनिशियल फेज और दूसरा होता है मेटाबॉलिक फेज। जैसे तुमने वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए पढ़ा था, पहले कहां पे पहुंचता है? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस तक, फिर वहां से कहां पहुंचता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। दो स्टेप में होता था वाटर का एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल वैसे ही इनिशियल फेज में क्या होगा? मिनरल जो है कहां से ला जाएगा? फ्रॉम सॉइल टू स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच तक पहुंचा, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ये ट्रांसपोर्टेशन इनिशियल फेज। ठीक है, और इसमें एटीपी कंज्यूम होगी क्या? क्या इनिशियल फेज में एटीपी कंज्यूम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बोलो ना। इनिशियल फेज में एटीपी कंज्यूम होगी क्या? नो सर, इनिशियल फेज में एटीपी कंज्यूम नहीं, क्योंकि वो तो सेल वॉल के कोई क्रॉस कर रहा है, सेल वॉल पर नहीं था। मेटाबॉलिक फेज होगा जिसके अंदर कहां से कहां पर जाएगा? फ्रॉम द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां से साइटोप्लाज्म तक जाएगा, उसे हम मेटाबॉलिक फेज बोलेंगे। और ये मेनली क्या होगा? मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे दो फेज में मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मिनरल के पास भी आने जाने के दो रास्ते हैं, एक तो वो सेल वॉल के थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जाए, दूसरा साइटोप्लाज्म के थ्रू सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जाए। जब मैं दो पाथवे को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है जो साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है वो तो एटीपी कंज्यूम करके जा रहे हैं, और जो सेल वॉल के थ्रू जा रहा है वो पानी के साथ बहे जा रहा है, मास फ्लो हो रहा है। एक में क्या था? इस प्रोसेस में यहाँ पर एटीपी कंज्यूम किया है, और दूसरा जो सेल वॉल के थ्रू जा रहा था उसने एटीपी कंज्यूम नहीं किया है। तो क्या इधर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा रहा था, इसे कहीं पे एटीपी कंज्यूम करनी पड़ेगी क्या? जब भी एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, जब भी ये इस ब्लैक स्पेस से साइटोप्लाज्म में पैसेज चल के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर इसे एटीपी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो जो कैरियर यहाँ पर होते हैं वही कैरियर हमें एंडोप्लाज्मिक में भी मिलते हैं। और क्या होगा जब भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यदि वो एंडोडर्मिस की सेल में एंटर होगा तो वहां पर उसे एटीपी कंज्यूम करनी पड़ जाएगी। यानी जो रूट है के साइटोप्लाज्म में आ गए, उन्होंने यहाँ पर एटीपी कंज्यूम कर दी, जिसने यहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं की और एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जा रहा था, उसे एंडोडर्मिस में जाकर के एटीपी कंज्यूम करनी पड़ती है। समझ गए? तो ऐसे दो फेज के थ्रू एब्जॉर्ब होकर वापस से काम हो जाएगा जाइलम। जाइलम से ऊपर कैसे जाता है? जैसे पानी है उसके साथ ही मास फ्लो हो जाएगा, वाटर के साथ साथ में ही मिनरल जो है उसका भी अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, मास फ्लो या बल्क फ्लो। देन इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में पहुंचा कहां पर? लीफ के अंदर मान लो, या सीड के अंदर। मिनरल का सीड क्या होगा? व्हाट इज द सीड फॉर मिनरल? प्लांट के अंदर कोई भी ग्रोइंग पार्ट होता है वो मिनरल के लिए सिंक होता है, कोई भी क्विकली डिवाइडिंग पार्ट होता है वो मिनरल के लिए सिंक होता है। तो मिनरल जो है यहाँ से बाहर निकलेगा
जब ये यहाँ से बाहर निकल तो पानी के साथ इसलिए बाहर निकल गया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, लेकिन जब ये यहाँ से सेल के अंदर जाएगा तो फिर इसका एक्टिव अपटेक होगा, यानी सिंक के अंदर अनलोडिंग जो है वो तो बिना एटीपी खर्च किए हो जाती है, लेकिन सिंक सेल जो है उसे अपटेक कब करेगा, जब वो एटीपी कंज्यूम करेगा, सिंक सेल जो है वो एटीपी कंज्यूम करके उसे अपटेक करता है। समझ गए क्या? तो इस तरीके से तुम्हें पता पड़ गया कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट देखो फूड का ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है इतनी बात सबको? कर दो इरेज। सिंक वाला और बताइए सर। सिंक क्या होता है? सिंक होता है प्लांट के अंदर कोई भी एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट या ग्रोइंग पार्ट, और एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट जो है वहां पर मिनरल जब जाएगा तो साइलम तो डेड है, साइलम से तो बाहर आराम से निकल जाएगा पानी के साथ में, लेकिन जो सेल उसे अपटेक करेगी पानी के साथ मिला हुआ तो डाइल्यूट था, साइटोप्लाज्म में तो मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही होगी तो सेल अपटेक करेगा एटीपी खर्च कर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी है उसे बोलते हैं मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। मंच ने क्या था, साइंटिस्ट का नाम है मंच, तो मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन का जो सोर्स है, स्रोत है और सिंक है यानी कुंड है, उसकी स्थिति के आधार पर फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो बायडायरेक्शनल होता है। बायडायरेक्शनल अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ सोर्स। तो सोर्स होता है और सिंक होता है, उनकी स्थिति एक दूसरे से बदल सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। जैसे मान लो ये पेड़ है, मोस्टली हम क्या देखते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि लीफ जो होता है वो सोर्स होता है, और मान लो कि रूट जो है वो क्या है, वो है सिंक। सामान्यतः प्लांट के अंदर क्या रहती है, भोजन और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऊपर की तरफ, लीफ की तरफ रूट वगैरह है या स्टेम वगैरह का पार्ट है, भोजन वहां पर रिक्वायर्ड होगा, तो इस तरीके से सोर्स से सिंक की तरफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन हो जाए। अब मान लो ऑटम सीजन आ गया, पतझड़ का मौसम आ गया, पत्तियां टूट गई, भोजन के प्रवाह का क्या होगा, क्या होगा भोजन के प्रवाह, फूड ट्रांसलोकेशन होगा कि नहीं होगा सर? फूड का ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा, पत्तियां टूट गई हैं, भोजन बन नहीं रहा है, ट्रांसलोकेशन हो नहीं रहा है। लेकिन अर्ली स्प्रिंग टाइम की बात करते हैं, जब नई पत्तियां या कलिकाएं बनना स्टार्ट,
तब नई पत्ति या कली का बनना स्टार्ट हुई तो क्या इसे भोजन की आवश्यकता होगी? तो इसका उल्टा हो गया, अगली बार वही चला यहाँ पर लीफ भी जगह क्या निकल रहा है यंग बर्ड, ये बन गया है सो, ये बन गया है सेम, यहाँ पर भोजन की आवश्यकता है और रूट जो है वो बन गया है सोर्स। तो अब भोजन का प्रवाह जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सोर्स और सिंक की स्थिति बदलने के आधार पर जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो कैसा है? बाई डायरेक्शनल है और एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ पढ़ा होगा तुमने। अब किस तरीके से भोजन का प्रवाह होता है इसको मंच ने कैसे समझाया? मंच ने क्या किया, दो इस तरीके से बल्ब लिए जिनकी दीवार जो है वो पहले परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई थी, कनेक्ट किया ट्यूब से, इसे रख दिया किसके अंदर, प्योर वाटर के अंदर, क्या है यह है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये क्या है प्योर वाटर, और इसके अंदर एक साइड में एक बल्ब में इन्होंने रख दिया क्या, इन्होंने रख दिया हमको बहुत सारा शुगर, बहुत सारा शुगर देखा कि क्या होता है, क्या होगा इस वाले बल्ब का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्या पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा कि नहीं बोलो, आएगा। अब ज्यादा होगा जा रहा है वोटर क्या, अब नियम जो बढ़ रहा है मूव करेगा, किधर मूव करेगा, जहां पर जगह मिल रही है जगह मिल रही है यहां पर मूव कर रहे हैं। जब पानी बहेगा तो क्या इसके अंदर डिजॉल्व जो शुगर है सॉल्यूट है वो भी बढ़ जाएगा क्या, बोलो, इसके अंदर मान लो मैंने शुगर लिया है तो क्या शुगर भी पानी पीने के साथ तो डायरेक्ट नहीं बहेगा, बहेगा वो भी बहते थे यहाँ पर है, पानी का अमाउंट बढ़ रहा है और वो यहाँ से बाहर निकलते थे यहाँ पर आ गए, तो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, किसने बताया था मंच ने बताया था, इसको मंच मास्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये तो बात हुई एक नॉन-लिविंग सिस्टम में क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर भी होता कुछ भी जैसे ही, लेकिन ये होता है इसके अंदर जो सीव ट्यूब है उसके अंदर ओवरऑल प्रोसेस सर्वर से थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें एनर्जी या एटीपी भी कंज्यूम होती है, तो समझते हैं प्लांट में क्या है, इरेज कर दो इसे सर, दो मिनट हो गए सर। सर एक बार और बताइए ना, हो गया सर, बल्ब है वो अपारगमी झिल्ली का बना हुआ, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो क्या होगा, इसका ओपी ज्यादा है, इसका ओपी कम, पानी अंदर आएगा, पानी इसके अंदर अंदर आया तो क्या हुआ, बहेगा तो दूसरे चैंबर में, यहाँ पर भी अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पानी अंदर आएगा, बहुत सारा पानी बाहर निकलेगा तो पानी बाहर निकलेगा भी शुगर अंदर आ जाएगा, ये है सी
इसके पास में है मीजो ब्लेसिंग्स बहुत ध्यान से समझना तो ये बात समझ में आएगी। जाइलम में क्या हो रहा है, जाइलम के अंदर पानी का प्रवाह हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, फिक्स है। अब देखो लीफ की मेसोफिल जो है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस से बन गया ग्लूकोज वगैरह एक्सोज वगैरह एक्सोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर ग्रोथ के अंदर। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता जाएगा वैसे वैसे सुक्रोज बनता जाएगा। भोजन का परिवहन जो है वो ग्लूकोज के रूप में नहीं होगा सुक्रोज के रूप में होता है। क्यों क्यों भोजन का परिवहन एक्सोज के रूप में नहीं होता बल्कि सुक्रोज के रूप में होता है? क्योंकि सुक्रोज कम एक्टिव, यदि ग्लूकोज मिलता सेल को तो सेल उस ग्लूकोज को क्या कर लेती, सेल उस ग्लूकोज को अपने ही एनर्जी के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्विकली यूज कर लेती। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि सेल उसे यूज ना करे आगे आगे ट्रांसपोर्ट करती रहे तो उसे लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा, इसीलिए सेल उसे सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती। अब ये सुक्रोज जो है वो ट्रांसफर होता है किसके अंदर, कंपेनियन सेल के अंदर। कंपेनियन सेल के अंदर सुक्रोज का अमाउंट ज्यादा होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वेरिएबल से भेज रहा है। एटीपी कंज्यूम होगी कि नहीं होगी, एटीपी कंज्यूम होगी। सुक्रोज एच प्लस फोर ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये जाता है और यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें सुक्रोज लीफ की मेसोफिल से कहां पे लोड हो गया फ्लोएम की सेल के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम लोडिंग। क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कि पैसिव, फ्लोएम लोडिंग एक्टिव कि पैसिव? एक्टिव सर, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जा रहा है। सबसे ज्यादा सुक्रोज कहां पर है, सीव ट्यूब के अंदर। सबसे ज्यादा सुक्रोज कहां पर है, सीव ट्यूब के अंदर। यदि सुक्रोज बहुत सारा है यहाँ पर तो क्या इस सेल का ऑस्मोटिक रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा? यस सर, यस सर। क्या जालम नदी से पानी सीव ट्यूब में आ जाएगा क्या? यस सर, यस सर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। सोर्स वाले एंड पे क्या होता है समझ गए क्या? सोर्स वाले एंड पे सुक्रोज का एक्टिवली फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर हुआ जिसे हम फ्लोएम लोडिंग बोलते हैं, एटीपी कंज्यूम होती है। फ्लोएम में सुक्रोज की भारी मात्रा होने की वजह से इसका ओपी बढ़ जाता है और ये जाइलम से पानी पी लेता है और सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, इसका टर्गो प्रेशर हाई हो जाता है। अब एक जगह पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया, सीव ट्यूब लिखा है ट्यूब का बच्चे, सीव ट्यूब, तो टर्गो प्रेशर जो है वो हाई हो गया, तो हाई लो प्रेशर की तरफ पानी करेगा क्या? और ये जो सी फोर है किससे हेल्प करेंगे जाने में, बोलो होगा कि नहीं भाई? एक जगह पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो वहां से पानी जो है वो मूव करेगा, फ्लो करेगा किस जगह जिधर प्रेशर कम है। प्रेशर कम तो हुआ क्योंकि सिंक वाले एंड पे भी जो सुक्रोज आया है उस सुक्रोज को एटीपी कंज्यूम करके एक्टिवली यहां से बाहर निकल लिया जाता है और यहां से ये पहुंच जाता है इसके अंदर
यदि सुक्रोज बार बार यहाँ से बाहर निकलता रहेगा, सिंक ट्यूब से बाहर निकलता रहेगा, फ्लुएंट से बाहर निकलता रहेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्लुएंट अनलोडिंग। क्या फ्लुएंट अनलोडिंग में भी एटीपी कंज्यूम होगा क्या? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट भेज रहे थे, एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे हो रहा है वैसे यहाँ पर भी कंज्यूम होगा। तो फ्लुएंट लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होते हैं, दोनों में ही एटीपी कंज्यूम होता है, ध्यान रखना। सुक्रोज बाहर निकल के फिर सेल का कॉपी घट जाएगा क्या? परासरण दाब घट जाएगा क्या? परासरण दाब घट जाएगा तो फिर पानी बाहर निकलेगा वापस, जहां से आएगा वहीं चला जाएगा क्या? और यदि पानी बाहर निकल गया तो इस सेल का टीपी घट जाएगा क्या? पानी का प्रवाह क्यों हुआ? पानी का प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि एक साइड पे टीपी ज्यादा था, सोर्स एंड पे, सिंक एंड पे टीपी कम था, इसकी वजह से पानी का बहाव हुआ। और जब पानी बह रहा है तो पानी अकेले नहीं बह रहा है बल्कि अपने साथ में सुक्रोज के अणुओं को लेकर के बहते जा रहा है, और अल्टीमेटली भोजन जो है या सुक्रोज जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ पहुंच गया। सिंक में ऐसे फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो क्या होता है? स्टार्च के रूप में संग्रहण होता है, स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होने की वजह से स्टार्च के रूप में यहाँ पर जो भोजन है उसका संग्रहण हो जाता है। क्या क्या बातें याद रखोगे? पहली चीज की लोडिंग अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होती है। आपकी साउंड बहुत लो हो गई है। सुक्रोज है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? सीव ट्यूब के अंदर, तो एक्टिवली लोड किया है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ? सर सेल से पानी लिया, टीपी भर गया, एक सेल का मेटल आ जाएगा। दूसरी जगह पर क्या हुआ? दूसरी जगह पर सुक्रोज को एक्टिवली बाहर निकाला, बाहर निकाला तो ओपी काम, पानी बाहर निकला मतलब टग ऑफ प्रेशर कम हो गया। ड्यू टू टग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, क्या हुआ? आवाज नहीं आई क्या? सर सुनाई दे रहा है बट आवाज, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है बस। पूछ लो सर, लास्ट में क्या लिखा है वहां पे? ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, परासरणीय रूप से निष्क्रिय होता है, स्टार्च जो है वो परासरण दाब उत्पन्न नहीं करता। सर ये ट्यूब को बोलेंगे चालनी नलिका और कंपेनियन सेल को बोलेंगे सहचारी कोशिका ना, और ये सोर्स को शोथ, और ये वाले नीचे वाले को शिंको कुंड। हां बिल्कुल। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है अपना ट्रांसपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। पहले जो भी कुछ डाउट पूछना है वो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर वो ऑस्मोटिकली उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। सर जो मूलदा पर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में बोलेंगे कि शाखीय पौधे हैं वो छोटे होते तो मूलदाब के द्वारा पानी ऊपर चढ़ जाता है। हाँ। और जो जो कास्टी वाले होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी अब मदद करेगा ना उसमें। सर वो मेटा वो वाला उसको बता दो ना, क्लीवेज को नहीं समझ आया था उस दिन। जो कास्टी क्लीवेज
इंसेक्ट में क्लीवेज कैसा होता है या कॉकरोच में क्लीवेज कैसे होता है, इतना डीप में घुसने की जरूरत था सारे सर बता दो ना, मैं जानना था एक बार। जो इंसेक्ट्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर जो एग होता है वो सेंट्रल एस्कर टाइप का होता है, योग जो है वो सेंटर में होता है। योग जो है वो सेंटर में होता है। तो क्लीवेज कहां पर होगा? क्लीवेज होगा इन जगहों पर, यहां पर होगा क्लीवेज। यदि पूरा का पूरा जायगोट डिवाइड नहीं हो रहा, यदि पूरा हो रहा होता है और एम्ब्रियो बनाने में पार्ट कर रहा होता है तो उसको होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज या डेवलपमेंट होता है। यदि पूरा डिवाइड ना करे, सिर्फ कुछ पार्ट ही डिवाइड करे, मान लो इतना ही पार्ट डिवाइड करा, ये इतना ही करा, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे नीरोब्लास्टिक बोलते हैं। यानी यदि पूरा जायगोट डिवाइड करता है तो होलोब्लास्टिक, यदि जायगोट का कुछ पार्ट डिवाइड कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम नीरोब्लास्टिक। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सेंटर में योग है तो विभाजन क्या हुआ? पूरे एग के अंदर में हुआ, क्या हुआ? नीरोब्लास्टिक अंशुबंधी, नीरोब्लास्टिक टाइप का होता है। और कहां पर हो रहा है भाई? बीच में तो योग है, ऊपर ऊपर हो रहा है, कहां पर? सरफेस पे। क्या बोलोगे? सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज। तो नीरोब्लास्टिक होता है सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज होता है। हां सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, sir, there's a line in NCRT of chapter 10, cell cycle and cell division. Sir, please explain me. Okay, sir. Cell division proper lasts for only about an hour and the interphase lasts more than 95% of duration of cell cycle. Sir, what does it mean? के अंदर G1, S, G2 ऐसे फेसेस थे और ये वाला फेस क्या था? M फेस, जिसके अंदर कैरियोटेनसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा था। तो सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस वाला पोर्शन तो कितना टाइम लगेगा? मोर देन 95% टाइम। बाकी एक्चुअल में जो डिवीजन होगा कैरियोटेनसिस और साइटोकाइनेसिस वो कितने टाइम में होगा? लेस देन 5%। बनाया था ऐसा साइकिल? यस सर। तो फिर देरम, ये पूरा प्रिपरेटरी फेज इंटरफेज और यहां पर क्या हुआ? एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यानी सेल का एक्चुअली डिवीजन। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। यस सर। देखो मिनरल न्यूट्रिशन, सबसे पहले मीनिंग समझना होगा मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, पोषण का क्या मतलब है? कोई भी जीव को वृद्धि करने के लिए, उपापचय क्रियाओं को करने के लिए, जनन की प्रक्रिया को करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो उन पदार्थों को ग्रहण करना और बॉडी के अंदर यूज करना, उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन बोल देते हैं, है कि नहीं भाई? नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन? द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन इज टू अपटेक और इनटेक दोज मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, regeneration, development of metabolic activity or reproduction process. So for all these process, body requires some particular nutrient and the process of obtaining and assimilating those substance is known as nutrition. सही कि नहीं? Plant के अंदर yes sir देख रहे हैं, plant के अंदर हम ये process देख रहे हैं तो plant के अंदर कुछ difference मिल रहा है क्या? That plant are not eating food, they are preparing their own food. Means when we are talking about nutrition, what comes in our mind is carbohydrate, fat, lipid, protein, these things. And minerals also, water also. So, yahan par plant ke andar kya dekh rahe hain? In plants, the organic part, organic material is prepared by itself by the process of photosynthesis. Organic food is being prepared by the process of photosynthesis. So, that is a part of nutrition. And another part is the requirement and assimilation of other material.
दूसरे कुछ चीज जो है वो भी उसको चाहिए, क्या दूसरी चीज चाहिए? इट रिक्वायर्स मिनरल, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो उसे चाहिए। कहां से ले रहा है वो? रूट के सोइल से। तो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, जो मिनरल ऑब्टेन करने की और एसिमिलेट करने की प्रोसेस है वो मिनरल न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिक फूड लेने की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस है। तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन दो चैप्टर में पढ़ते हैं, एक मिनरल न्यूट्रिशन और एक फोटोसिंथेसिस। समझ गए क्या? यस सर। ओके, चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन क्यों रखा हुआ है, खनिज पोषण क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पादप जो है वो क्या करता है, इट इज स्टडी ऑफ अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन। तो इन प्रोसेस के लिए जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है उनको अपटेक करना, उसको एसिमिलेट करना, उस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन बोल देते हैं। बात क्लियर है सबको? अब प्लांट कहां से ऑप्टेन कर रहा है मिनरल? फ्रॉम CO2 एंड H2, यानी एयर से और पानी से क्या मिल रहा है? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ये मिल रहा है। एंड फ्रॉम सोइल, बाकी सर तो बहुत सारे एलिमेंट है जो कहां से मिल रहा है, सोइल से मिल रहा है। जो ये एयर और वाटर से लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? नॉन मिनरल एलिमेंट। जो सॉइल में से ले रहे हैं वो सारे क्या है, मिनरल एलिमेंट। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ भी है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं रेजोबियम वगैरह जिनके अंदर होता है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी अपटेक करते हैं। यानी कुछ प्लांट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एयर से आता है, तो नाइट्रोजन को क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन दोनों में आ जाएगा, मिनरल एंड नॉन मिनरल में नाइट्रोजन एयर से कहां पर आ जाएगा, इन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के अंदर कहां से आ जाएगा, एयर से आ जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन को बोलते हैं पार्शियल मिनरल न्यूट्रिएंट और एलिमेंट। कुछ मैं पूछेगा कि बताओ नाइट्रोजन को पार्शियल मिनरल एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में तो लेता है सॉइल में से, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो भी सिंबायोटिक फिक्सर की हेल्प से फिक्स कर दिए जाते हैं, तो क्या हुआ, एयर से भी आ गया। जो एयर से आ रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मिनरल। जो सॉइल में से आ रहा है उसे बोल रहे हैं मिनरल। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नाइट्रोजन पार्शियल मिनरल एलिमेंट। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब प्लांट के अंदर कौन से मिनरल रिक्वायर्ड है उनकी स्टडी करने की कुछ टेक्निक होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं सॉइल लेस कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स।
सर इस गजरिया हाइड्रोपोनिक्स देखो क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का मतलब देखो प्लांट को हम सॉइल हम प्लांट को जमीन में उगा रहे हैं लेकिन जमीन में उगाते किस लिए क्या बेनिफिट है प्लांट को ऐसा क्या चाहिए जमीन से क्या मिट्टी खाता है क्या उसे मिनरल्स चाहिए उसे वाटर चाहिए उसे ऑक्सीजन चाहिए ये सारी चीजें चाहिए यदि वो हम बिना मिट्टी के दे दे तो प्लांट उग जाएगा क्या नो सर मिट्टी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स दैट वाज फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड बाय जूलियस वॉनसेक जूलियस वॉनसेक कब 1860 में ये जूलियस वॉनसेक जो है वो कौन से देश के थे जर्मनी के थे कि कनाडा के थे जर्मनी के थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक सेटअप बनाया एक गमला लिया इस गमले के अंदर एक प्लांट उगा दिया ठीक है इसके अंदर एक ट्यूब जैसा रखा उन्होंने जिसके द्वारा एक फनेल जैसा कीप जैसा इस कीप के द्वारा ये अंदर क्या डाल रहे थे मिनरल्स मिनरल्स और दूसरी साइड पे एक इन्होंने ऐसा ट्यूब जैसा रख दिया जिसके द्वारा एयर जो है वो अंदर डाल रहे थे और जो ये लिड है इसका ढक्कन जो है जिसके अंदर ये चीजें फिट की हुई है इसमें से एयर एंटर ना करे इसके लिए इन्होंने क्या किया इसे आसपास अच्छे से कॉटन से प्लग कर दिया था टू फ्लो अब पूछते हैं कि इस सेटअप में किसका क्या रोल है एरिएशन ट्यूब का क्या रोल है एरिएशन ट्यूब का क्या रोल है बताओ क्योंकि रूट को ऑक्सीजन चाहिए तो स्टेराइल एयर जो है वो इस एरिएशन ट्यूब के थ्रू अंदर प्रवाहित की जाती है एरिएशन ट्यूब का क्या काम है एरिएशन ट्यूब का काम है वायु जो है वो प्रवाहित करना ताकि रूट को ऑक्सीजन मिलती रहे फाइनल इसके द्वारा क्या करते हैं मिनरल्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो रूट को रिक्वायर्ड है ठीक है और ये कॉटन जो है कॉटन प्लग ये क्या कर रहा है ये किसी भी माइक्रोब की एंट्री को रोक देता है माइक्रोब की एंट्री को रोक देता है और इस तरीके से प्लांट जो है वो इसके अंदर ग्रो करता है ये कांच का जार लिया है तो क्या करना होगा इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की फिल्म लगानी होगी लाइट के अंदर नहीं आनी चाहिए अदरवाइज इसके अंदर एल्गी की ग्रोथ हो सकती है तो इसको एक ब्लैक कलर के पेपर से कवर किया जाता है ताकि लाइट की एंट्री ना हो और इसके अंदर कोई एल्गी ग्रो ना कर पाए इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या यूज है इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक का सबसे पहले टू फाइंड आउट द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स and its deficiency is simple. कौन से न्यूट्रिएंट का क्या रोल है और उसका deficiency होगा तो क्या सिम्टम होगा उसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि कंट्रोल मीडियम है जो ही नहीं दोगे उसके अकॉर्डिंग क्या डिजीज हो रही है वही पता पड़ जाएगा ये रोल है और क्या रोल है इसका और इसका रोल है कि जहां पर नॉर्मली खेती नहीं हो सकती है वहां पर हम इसके द्वारा खेती कर सकते हैं टू ग्रो प्लांट्स इन इनफर्टाइल एरियाज कौन से प्लांट इनसे उगाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट बट हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि पोटेटो टोमेटो
इनको इस मेथड से उगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि इसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजन आर नॉट प्रेजेंट। मिट्टी में तो उगा नहीं रहे कि जो मिट्टी में उगते हैं फंजाई पैथोजन वो सब इसको हार्म करे, वो सब हार्म नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ये एडवांटेज हो सकता है। हाइड्रोपोनिक्स का ऐसे जगहों पर भी हम कल्चर कर सकते हैं जहां पर खेती करना पॉसिबल नहीं है। मिनरल्स वगैरह के अंदर सिंक ना हो, आयरन सिंक ना हो, तो इसके लिए ऐड करते हैं EDTA, एथिलीन थायमिन टेट्रासिटेट, EDTA क्लेटिंग एजेंट हो जाएगा, प्रिवेंट आयरन कंपाउंड फ्रॉम सेडिमेंटेशन। तो भारी आयरन होगा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो प्लांट को मिलेगा कैसे, तो आयरन कंपाउंड नीचे ना बैठे, इसमें तैरते रहे, सस्पेंडेड कंडीशन में रहे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए EDTA मिक्स कर दिया जाता है, इथाइलीन डायमिन टेट्रासिटेट, और वो चिलेटिंग एजेंट होता है और आयरन को लंबे समय तक इसमें सस्पेंडेड स्टेट में रखता है। ऐसा मीडियम बनाया था हॉवलैंड, ठीक है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक समझ में आ गई सबको सर। एरिएशन ट्यूब का एक बार यूज बताओ ना, क्या बताया एयर बच्चे रूट को भी तो सांस लेना है, रूट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हां मिलेगी देना पड़ेगा, ठीक है। कर्दुरेश हां सर, यस सर, हाइड्रोपोनिक्स के जैसे ही एरोपोनिक्स और सैंड कल्चर वगैरह भी होती हैं जिनमें हम प्लांट उगा सकते हैं। आज तक जो डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसके अंदर मोर देन 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत कम अमाउंट में भी यदि एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसे भी ट्रेस किया जा सकता है। कुछ प्लांट्स के अंदर गोल्ड, कुछ प्लांट के अंदर स्ट्रॉन्शियम, कुछ प्लांट के अंदर कोबाल्ट, ऐसे भी एलिमेंट जो है वो पाए गए हैं जिनको देख करके लगता है कि इसका प्लांट में यूज क्या है, रोल क्या है, क्या ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इन चीजों को क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे 60 के 60 एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 60 के 60 एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना भी प्लांट ग्रोथ कर सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए आर्नॉन जो है और स्ट्राउट जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एसेंशियल की कैटेगरी में रख दिए और देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया क्या है, तीन मेन क्राइटेरिया आर्नॉल्ड ने दिया था, आर्नॉल्ड स्ट्राउट। पहला मस्ट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, वो एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए मस्ट है, इनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, सीड वगैरह नहीं बनेंगे, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल एलिमेंट, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, ऐसे एलिमेंट जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट है उसकी डेफिशिएंसी हुई जिसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के थ्रू हमने रिप्लेस कर दिया और प्लांट के अंदर वो सिम्टम खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, किसके लिए, एसेंशियल एलिमेंट के, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया हो गए। थर्ड क्राइटेरिया इज डायरेक्ट रोल
मेटाबॉलिज्म। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल होता है किसका, इन एसेंशियल एलिमेंट्स का डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन क्राइटेरिया को जो एलिमेंट फॉलो करते हैं उन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। और ऐसे टोटल कितने एलिमेंट हैं? 17 एलिमेंट्स हैं। इस कैटेगरी में एसेंशियल भी कैटेगरी। अब इनकी बॉडी के अंदर जो ड्राइवेट है उसमें कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे हम इसे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं क्या, मैक्रोएलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। जो ड्राइवेट में मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राइवेट इससे ज्यादा में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उन्हें हम मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। जो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राइवेट में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का नंबर कितना है? क्या देखा? नौ। CHONPSK कैल्शियम मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस 9। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उनका नंबर कितना है? 8। कौन कौन से हैं? कॉपर, क्लोरीन, आयरन, जिंक, निकिल, मॉलिब्डेनम और बोरान और मैग्नीशियम है शायद। हो गया? हाँ सर, हो गया। वापस से बोलो। मैग्नीशियम तो यहाँ पर है। मैग्नीशियम। बोलो फिर से। सर एमिन, एमिन। देखो सर, कॉपर हुआ और ना क्लोरीन हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, निकिल हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, बोरान हुआ और एमएन हो गया, साथ ही हुआ एक का। हाँ हो तो क्या सर? ठीक है, तो जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो उनको मुझे लग रहा है पीरियोडिक टेबल में आयरन से लेकर के जिंक तक तो मुझे लग रहा है तुमको एलिमेंट के नंबर वो याद होंगे। बोलो तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आयरन से पहले मैग्नीज आता ना, मैग्नीज से बोला आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। क्या तुम्हें ये आता है? यस सर। तो इसमें एक गड़बड़ी है, कोबाल्ट जो है ना, सीओ जो है ना, उसकी जगह पे तुम एमओ लिख देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो आयरन, मैग्नीज, आयरन, मॉलिब्डेनम, निकिल, कॉपर, जिंक और इसके अलावा दो नॉन मेटल बोरोन और क्लोरीन। हो गए क्या? तो जिनको याद नहीं रहता वो सिंपल तरीके से ध्यान रखें, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट की जगह सीओ की जगह एमओ, निकल, कॉपर, जिंक और बोरोन और क्लोरीन दो नॉन मेटल। तो ये हो गया। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनका अमाउंट ज्यादा होगा, यदि तो टॉक्सिसिटी कॉमनली देखने को मिलती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में टॉक्सिसिटी कॉमन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में टॉक्सिसिटी कॉमन नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब फंक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट जो होते हैं फंक्शन की बेसिस में डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फंक्शन की बेसिस पे डिफरेंट टाइप है। पहला स्ट्रक्चरल एलिमेंट या फ्रेमवर्क एलिमेंट, कौन कौन से होंगे? CHO मेनली जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह के अंदर, उन्हें हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोलते हैं। CHON जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। दूसरा
enzyme activator and inhibitor. कुछ ऐसे एलिमेंट है जो एंजाइम को एक्टिवेट करने और इनहिबिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एमजी किसके अंदर होता है, काइनेज के अंदर होता है, रुबिस को के अंदर होता है, पेप्टिडेज के अंदर होता है। ऐसे ही यदि बात करें एमओ मोनोमेरम नाइट्रोजिनेज के अंदर होता है, मैग्नेट रिडक्टेज के अंदर होता है, जिंक अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के अंदर होता है, कार्बोक्सिलेज में भी होता है, कार्बोक्सिलेज के अंदर होता है। ऐसे आयरन की बात करूं कैटेलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो बहुत सारे एंजाइम्स के साथ में एक्टिवेटर या इनहिबिटर के रूप में हो सकते हैं। ये आ सकता है, लेकिन मेन एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो सी एच ओ एन ई मिलेगा तुम्हें, वो ज्यादा होना है। फिर इसके बाद में एंजाइम एक्टिवेटर इनहिबिटर के रूप में काम आ सकता है, और क्या फंक्शन होगा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में, जैसे हम देखते हैं फॉस्फोरस इन एटीपी, एमजी इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी तो एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, तो एमजी इन क्लोरोफिल एनर्जी रिलेटेड के एग्जांपल होगा। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बैलेंस करते हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन में। यस, पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ, सोडियम, ठीक है। तो ऐसे मेन मेन टाइप है किसके, मिनरल न्यूट्रिशन के, मिनरल्स के उनके फंक्शन के बेसिस। ऑस्मोटिक वाले में तो सोडियम भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, लेकिन प्लांट के अंदर सोडियम अभी तुमने एसेंशियल में पढ़ा क्या? नहीं। इनके अलावा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लांट में और उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट में आता है सोडियम, सिलिका, कोबाल्ट, सेलेनियम, सेलेनियम एस्ट्रागैलस करके एक प्लांट होता है, उसके अंदर होता है कोबाल्ट। लेकिन प्लांट में होता है मेटल फिक्सेशन का एलिमेंट करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। देखो ये चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, इंफॉर्मेटिव है। इस चैप्टर के अंदर आप कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट का क्या रोल होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी बातें दी है, वो एज इट इज पूछी जाती है। मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा आज तुम्हारा होमवर्क है कि घर पे तुम क्या करोगे, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट उनका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, क्या उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो तुम्हें लिख के दिखाना। यानी जैसे सबसे पहले तुमने देखा नाइट्रोजन, तो लिखना है क्या नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, वो सबसे पहले और भी तो फॉर्म है क्या, नाइट्राइट और अमोनियम। फिर इसका क्या रोल है प्लांट के अंदर, कहां पर रिक्वायरमेंट है, क्या रोल है, वो लिखना होगा तुम्हें। कि भाई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो भी प्लांट के अंदर यंग पार्ट होते हैं उनके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर तुमने देखा आगे पढ़ा उसके अंदर लिखा हुआ सपोज की नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड बनाता है जिससे कि प्रोटीन बनते हैं, तो ये प्रोटीन का कंपोनेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा तुमने पढ़ा कि ये जो है कुछ विटामिन और हार्मोन जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में होता है। तो तुम्हें ये सारे लिख दिए, इस तरीके से तुम्हें क्या करना है,
हर एक मिनरल के लिए किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और उसको कैसे मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के अंदर, वो सारी चीज तुम्हें लिखनी है, जितने भी माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे इंस्टीट्यूट के उनके बारे में, ठीक है क्या? क्योंकि इसका एकमात्र यही तरीका है जिससे तुम्हें याद रह सकता है, बाकी मेरे बोलने से और या तुम लेट करके पढ़ लोगे तो उससे तुमको इसी के ध्यान नहीं रहेंगे, ठीक है? तो इतना होमवर्क तुम करके लाना, हम उसके आगे की बात करें, जो होमवर्क जो तुम करके लाओ उसके आगे की बात हम करें। उसके आगे की बात है क्या होता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन और क्या होता है टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखो concentration in dry matter and plant size, इसके बीच में मैं ग्राफ बना, मैंने क्या देखा, मैंने देखा प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम में यदि न्यूट्रिएंट है तो उसकी साइज कम हो गई या उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इतना अमाउंट किया तो इतनी साइज की, अमाउंट बढ़ाया तो थोड़ी बड़ी, थोड़ा बढ़ाया तो थोड़ी बड़ी, एक पर्टिकुलर लेवल से जैसे ही ज्यादा हुए तब हम देखते हैं अब इसकी ग्रोथ। ड्राई मैटर के अंदर एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जिससे कम होने पर क्या हो गया, ग्रोथ नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे डेफिशिएंट जोन, डेफिशिएंट जोन। और इसमें वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिससे कम होने पे प्लांट की ग्रोथ कम हो गई थी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, मस्त प्लांट की साइज एडुकेट हो रखी है, ऑप्टिमम हो रखी है, इसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिमल जोन, वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो रखी है। एक लेवल से ज्यादा होने पर वापस से हम क्या देखते हैं ग्रोथ गिर जाती है, वो लेवल जिससे ज्यादा होने पर वापस से ग्रोथ कम होगा इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिससे कम होने पर प्लांट की ग्रोथ गिर जाती है उसे हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होने पर प्लांट की ग्रोथ गिर जाती है या कम हो जाती है, वेट गिर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गई क्या बात, और जहां पर एडिक्वेट ग्रोथ रहेगी साइज रहेगा वो क्या है ऑप्टिमल जोन होता है। तो इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो सॉइल में सबसे जल्दी खत्म हो जाते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। एनपीके जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट होता है। समझ गए क्या, टॉक्सिसिटी मिनरल टॉक्सिसिटी मोस्टली किसके अंदर देखी जाती है, मोस्टली सीन इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज्यादा होते ही उनकी ग्रोथ कम हो जाना 10% से ज्यादा वेट रिड्यूस हो गया उस कॉन्सेंट्रेशन को हम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट यदि ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो ग्रोथ कम होगी उसे हम मिनरल टॉक्सिसिटी बोलेंगे। और इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं एमएन टॉक्सिसिटी। एमएन टॉक्सिसिटी की वजह से जो डिजीज होगा उसका नाम है क्रिटिकल लिंक डिजीज। होता क्या है, इसके अंदर ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं जो क्लोरेटिक वेइन से सराउंडेड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लीफ के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जो कि सराउंड होगा इससे सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेइन, उसे हम मिनरल टॉक्सिसिटी बोल देते हैं, हेमेटोक्सिसिटी।
अब ये एमएन टॉक्सिसिटी एग्जैक्टली एमएन के ज्यादा होने की वजह से नहीं हुआ बल्कि एमएम एमएन के ज्यादा होने से कुछ और न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो गए. क्या कम हो गए? यदि एमएन ज्यादा होता है तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है आयरन अपटेक को, एमजी के अपटेक को, अपटेक एंड एंजाइम बाइंडिंग जो है वो इनहिबिट हो जाता. और क्या होता है? कैल्शियम जो है इसका ट्रांसलोकेशन जो है ये भी इनहिबिट हो गया. यानी एमएन टॉक्सिसिटी के सिम्टम जो होंगे वो एग्जैक्टली यदि हम बात करें तो आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के होंगे. यानी कोई मिनरल की टॉक्सिसिटी होती है तो उसका रीजन क्या होता है? उसके ज्यादा होने से कोई दूसरे अमाउंट जो है वो कम हो जाते हैं, दूसरे मिनरल कम हो जाते हैं और उसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाती है. क्या मिनरल टॉक्सिसिटी समझ गए सब बच्चे? बोलो. यस. ठीक है. अब इसके बाद में मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होता है? कौन से एलिमेंट्स मोबाइल होते हैं, कौन से एलिमेंट्स इमोबाइल? वो एलिमेंट जो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोबाइल एलिमेंट. मोबाइल एलिमेंट ट्रांसफर फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर, लाइक नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ, एमजी हुआ. ठीक है. तो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में भी ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं मोबाइल मिनरल एलिमेंट. इसकी डेफिशिएंसी होगी तो सिम्टम पहले कहां पर दिखेगा? पुरानी पत्तियों में. यस, क्योंकि नए भाग में तो ओल्डर पार्ट से चला जा रहा है तो ओल्डर पार्ट में पहले दिखेगा ओल्डर लीव्स. और इसका अपोजिट होता है क्या? इमोबाइल एलिमेंट, क्या जो ट्रांसफर नहीं होता, मोस्टली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट. एग्जांपल क्या हो जाएगा इमोबाइल एलिमेंट का? सिर्फ कैल्शियम, सल्फर, बोरान और कॉपर शायद. कॉपर भी यस. और नहीं करते. ओके. मिनरल डेफिशिएंसी से क्या-क्या होता है वो भी तुम लोगों ने तुम लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे. क्लोरोटिक सबसे पहले उसके अंदर क्या है कि क्लोरोसिस कौन-कौन करते हैं, फिर नेक्रोसिस, फिर डिले फ्लावरिंग और सेल डिविजन इनहिबिशन. ये चारों कंपाउंड करते हैं एनसीईआरटी में, तुम्हें रीड करना है. ठीक है. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे. ठीक है. इतना तुम लोग अच्छे से पढ़ के आए. ठीक है. चलो फिर आज के इतना काफी है और सारा पढ़ा हमने. चलो वो जो ट्रांसपोर्ट वाले मतलब मूव वाले एलिमेंट में वो भी आता है क्या? क्या बोलते हैं? पोटेशियम. पोटेशियम मोबाइल होगा. हाँ मोबाइल में आएगा ना. हाँ आप लिखेंगे. ठीक है. चलो मिलते हैं. ओके बाय बच्चों.